If you like this video, then don't forget to give this video a like, share the video, comment, and subscribe to my channel. And as always, I'll be giving you all for more updates. Stay tuned, guys, back with a new vlog and the next vlog. Bye, guys. Take care. Alright, so I hope you guys enjoyed watching that rewind of my 2018. Welcome back to the channel, guys, and I hope you guys are doing absolutely great. इतने दिनों बाद गाइस आप लोग से बात कर रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है दिल से. I literally don't know, I can't express myself, but anyways guys, आज हम लोग व्लॉग नहीं करने वाले, सिर्फ एक रिवाइंड बैक ऑफ माई 2018 दिखाना था आप लोग को. एंड आई वॉन्ट टू शेयर सम थिंग्स विथ यू. आजकल जो हो रहा है, मैं क्यों इतना यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड नहीं कर रहा हूँ, एवरी वन इज आस्किंग मी. मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल से बहुत लोग ने मुझे पूछा कि व्हाई आर यू अपलोडिंग द वीडियोज सिद्धांत, क्या हुआ. इंस्टाग्राम में भी बहुत सब्सक्राइबर्स ने भी मेरे को पूछा कि क्या हुआ सिद्धांत, तू क्यों अपलोड नहीं कर रहा है. इसके पीछे का एक रीज़न है. पहले हम लोग हमारे 2018 के बारे में बात करते हैं, देन आई विल कम ऑन दिस. सो आप लोग का 2018 कैसा था? अच्छा था, बुरा था? मतलब ऐसे बहुत लोग ने पूछ किया दिस इज द वर्स्ट ईयर, आई विश माई 2019 वॉज गुड. बहुत लोग, मतलब यू कैन से काउंटिंग मी ऑल्सो, देर आर मेनी पीपल हु पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम. मतलब मेरे फ्रेंड्स ने भी पोस्ट किया था 2018 द वर्स्ट ईयर, 2019 शुड बी गुड एंड ऑल दैट. सो नाउ इफ वी सी लाइक 2018 मेरे लिए एक अच्छा साल भी बोल सकते हैं और एक बुरा साल भी बोल सकते हैं. नाउ लेट्स कीप ऑल द बैड नेगेटिविटी थिंग्स बिसाइड, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी थिंग्स. अभी 2018 में इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, लाइक यू नो तो 13 वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसको बहुत सारे अच्छे लाइक्स मिले, कमेंट्स, एंड ऑल्सो 1.5K व्यूज़ अभी होने आया है. सो दैट वाज द पॉजिटिव थिंग, दैट वाज द पर्टिकुलर वीडियो विच टर्न अप माय लाइफ. मतलब वो एक पर्टिकुलर वीडियो था, आई डिडंट, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने लुबे अदनान ने कि हम लोग को इतना अच्छा लाइक्स एंड कमेंट्स एंड नो व्यूज़ आएंगे. एंड ये मैंने कोई व्यूज़ बढ़ाया नहीं है, इट्स लाइक नेचुरली हुआ है. एंड आई रियली थैंक एवरी वन ऑफ यू ऑल कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ है. थैंक यू गाइस टू सपोर्ट मी, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया. सेकेंडली लुबे आया वीडियो में, बहुत सारे दोस्त भी बने मेरे, 500 सब्सक्राइबर्स हुआ, वो तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए. 500 सब्सक्राइबर्स आप लोग के लव एंड सपोर्ट की वजह से गाइस अभी मैं 500 हूँ. 0 to 10 तक आप बोलो सफ़र अच्छा था, फिर 10 से 50, 50 से 100, 100 पे तो मुझे सर्टिफिकेट मिला था यूट्यूब से, एट गॉट एन मेल. सो आई टेकन अ प्रिंट आउट एंड देन हैड टू से वाला वीडियो में मैंने आपको दिखाया मेरा सर्टिफिकेट. सो अब तक के लिए माई यूट्यूब लाइफ इज़ वेरी गुड. अभी ऐसा एक स्टेज आया गाइस की लेकिन 2018 में जो बुरे चीज़ें हुए, मतलब इतने बुरे हुए कि आई कैंट स्पेसिफाई, मैं बोल नहीं सकता. आई अंडरस्टैंड, आई टेक यू गाइस एज माई फैमिली मेम्बर्स, बट देर आर सम थिंग्स विच आई कांट यू नो डिस्कस इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा.
से बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हुए रहेगी, ज़्यादा तो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो सब हुआ है। सो 2018 में जो लास्ट थिंग जो हुआ था, वी लॉस्ट एंड यूट्यूब मेंबर, द बिगेस्ट यूट्यूबर दानिश जीएन, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, और एंड दैट कार एक्सीडेंट वॉज वेरी ब्रूटल। सो आई रियली प्रे फॉर हिज फैमिली। आई डोंट नो एग्जैक्टली नाउ, मेरे से बहुत लोग होते हैं जेलिस, मेरे दोस्त लोग भी हैं जो मेरे से जेलिस होते हैं, एंड दे हैव कन्फ्रंटेड इन फ्रंट ऑफ मी, दे हैव सेड दैट यस ब्रो, मतलब थोड़ा जेलिस ही था। ठीक है गाइस, जेलिस होना बुरी बात नहीं है, ठीक है। नाउ इवन आई वॉज अ पर्सन लाइक यू नो, इवन आई यूज टू गेट जेलिस ऑफ अदर्स, एज इन मेरा कोई फ्रेंड है, उसके पास एक्टिव है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास मोबाइल है, आईफोन एक्स है, एयरपॉड्स है, एवरीथिंग, मुझे भी कभी कभी उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए ऐसे। बट जेलेसी करके कोई मतलब नहीं है गाइस, आप बराबरी करो, क्योंकि बराबरी करने में जो मज़ा है वो जेलेसी में नहीं है। ये दानिश जैन ने भी बोला था, एंड रियली ये जो पार्ट उसने उसके वीडियो में बोला था, आई एम ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, कि बराबरी करो, जेलेसी करके कोई मतलब नहीं है। अगर आप जेलेस रहोगे, अगर कोई यूट्यूबर ऐसे बढ़ रहा है और फिर बाद में वो सामने वाला आपका दोस्त भी हो या कोई भी हो, ही इज गेटिंग जेलेस ऑफ यू सेइंग दैट यू नो, इसका तो एकदम ये, अभी इसका चैनल टर्मिनेट करूँगा, ये करूँगा, वो मत करो गाइस, वो करके कोई मतलब नहीं है। कल उठ के आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, एंड देन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यू नो हाउ बैड यू फील इनसाइड, एंड सेकेंडली किसको डिग्रेड मत करो। पर अगर गाइस आप लोग को अगर कोई डिग्रेड करता भी हो, टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, जो आपको डिग्रेड करता है, जो आपको बोलता है नहीं तू फालतू है, तेरे वीडियोस फालतू है, ठीक है, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव वे में मत लीजिए। नेगेटिव वे में आप लोगे ना, मतलब आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। स्पेसिफिकली मैं यूट्यूबर्स के बारे में भी बात नहीं कर रहा। सेकेंड बिग रीजन, मतलब आप अगर देखने जाओ, सो आई लॉस्ट मेनी फ्रेंड्स इन 2018, मतलब झगड़े बहुत हुए हैं, झगड़े ये साल तो बहुत इतने हुए, मतलब इतने सालों में कभी भी नहीं हो रहेगा, बट झगड़े बहुत हुए ये साल में, जो होना नहीं चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई कोई लोगों से उनके साथ ही झगड़ा हुआ। सो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा गाइस, आई वुड रियली नॉट लाइक टू टेक द नेम ऑफ दोज पीपल हु विद हुम आई फॉट, बट देन बहुत अनएक्सपेक्टेड झगड़े हुए फॉर नो रीजन, फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बहुत यू नो इनकलकेट हुए हम लोग के माइंड में, जिसका झगड़ा हुआ उसके साथ भी। सो जो होना नहीं चाहिए था वो अनएक्सपेक्टेडली 2018 में हो गया। वीडियोस क्यों यूट्यूब पे आ रहे नहीं है, फर्स्टली द थिंग इज दैट सी, आई गॉट माय प्रीलिम्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd January टू 9th January, एंड देन माय बोर्ड्स ऑफ माय 12th आर स्टार्टिंग फ्रॉम 21st February से लेके 9th March तक रहेगा। सो दैट इज द रीजन गाइज, माई डैड हैज टेकन माई कैमरा एंड माई लैपटॉप, वेर आई कांट अपलोड इट, लाइक आई कांट यूज इट ऑल्सो फॉर हाफ एन आवर, बट ठीक है, सी वॉट एवर आर पेरेंट्स डू, दे डू इट फॉर अ गुड। वो लोग ये सोचते हैं कि हम आगे बढ़े और यू नो हम ग्रेजुएट हो, हमारा नाम बढ़े, बिकॉज ही इज सीइंग द गुड इन मी, नॉट एनीथिंग बैड इन मी। अगर आप लोग कोई झगड़े में फंसते हो, सो यू नो आपके फ्रेंड्स तो रहेंगे, बट आपके पीछे जो खड़े रहेंगे वो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे। अगर आप हॉस्पिटल में होते हैं या पुलिस स्टेशन में होते हैं, कुछ भी होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपके पीछे रहते हैं और कोई नहीं रहता। फ्रेंड्स रहेंगे नो डाउट, फ्रेंड्स रहेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आपके मैटर में आएंगे, बट जो आपके पीछे रहते हैं वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं गाइस। सो रियली यू नो 2018 हैज थॉट मी कितना इंपॉर्टेंट है आपका फैमिली आपके लिए। 2018 हैज थॉट मी दिस, बस इतना बोलना चाहूँगा गाइस एट लास्ट के प्लीज़ किसी से जेलस मत हो, झगड़ा मत करो। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, दिस इज मी, this is Adnan and this is Luai. Dant and Adnan are best friends and even Luai is best friend. But तीनों के बीच में दो लोग एक साथ रहते हैं और एक बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा करते थे, ये लुए के साथ झगड़ा करते हैं, सिद्धांत एंड अदनान साथ में। अभी दोनों ने लुए के साथ झगड़ा इसलिए किया होगा बिकॉज दोनों को कुछ लग रहा होगा कि लुए रॉन्ग है और लुए को लग रहा होगा कि दोनों रॉन्ग है, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम स्टॉप टॉकिंग टू लुए, ठीक है, तो लुए को वो लोग किक ऑफ कर देते। अभी मुझे ऐसा लगता है, दिस इज मी, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चलो अभी लुए से बात करते, बहुत दिन हो गया, बिकॉज इतने साल हम लोग साथ में थे या इतने महीने हम लोग साथ में थे, वी वेंट आउट टुगेदर, यहाँ पे गए खाने के लिए, घूमने गए एवरीवेयर। सो यू नो अंदर से एक फीलिंग आता है कि नहीं साहब बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड से हम लोग ऐसे कैसे कर सकते। सो सिद्धांत को ऐसा लगता है कि जाके लुए से बात करें,
सिद्धांत लुए को कॉल करता है, लुए आता है, लुए बोलता है हाँ बोलना सिद्धांत क्या हुआ, देन बोथ ऑफ देम टॉक, बट ये चीज़ अदनान को नहीं पता, अदनान को बाद में पता चलती है, नो डाउट अगर अदनान को बाद में पता चलती है, अदनान सिद्धांत को बोले कि भाई तू मेरे को बोला नहीं कि तू लुए को शॉर्ट आउट करने के, नॉल दैट, नो डाउट गुस्सा आएगा, अदनान का गुस्सा बराबर है, सिद्धांत की वहाँ पर गलती थी कि उसने अदनान को नहीं बोला कि मैं लुए से शॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ, बट एट अ पॉइंट अदनान को भी समझना चाहिए कि हमारी गलती इधर थी, ना ही लुए की खाली गलती थी, और लुए को भी समझना चाहिए कि मेरी गलती इधर थी, सो 50-50 होता है, वहाँ पे ख़त्म कर देनी चाहिए। एंड मेरा बोलने का मतलब ये है गाइस कि यू नो ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने झगड़ा किया और मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ झगड़ा किया, एंड आई हैव लॉस्ट मेनी फ्रेंड्स, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से मेरे दोस्त लोग मुझे छोड़ के चले गए, सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ऐसे अदनान और लुए के साथ कोई हुआ नहीं है, बस इतना सिर्फ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट हैपेंड। सो गाइस यू नो 2018 में जो भी झगड़ा हुआ 2018 में ही रख देते हैं, 2019 में लेट्स स्टार्ट अ न्यू ईयर, नया साल है, नए फ्रेंड्स भी बनेंगे, बट वो जो पर्टिकुलर फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम बेस्ट फ्रेंड्स बुलाते हैं वो कभी माइंड से जाते नहीं है, यू गेट इट, अगर आप किसी को बेस्ट फ्रेंड बुलाते हो तो अपनी बात हो, हैविंग एटीट्यूड इज गुड, इट्स नॉट बैड, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट हैविंग एटीट्यूड, बट हैविंग इट इन अ राइट मैनर, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दिस इज माई थिंकिंग, नाउ आई डोंट नो वाई आई एम शेयरिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, बिकॉज आई ट्रीट एवरी वन ऑफ यू ऑल एज माई फैमिली मेम्बर, दैट इज वाई आई शेयर्ड इट विद यू ऑल, मुझे अंदर से लगा कि आप लोग से कुछ बात करूँ, अभी भी जो कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ मेरा आईफोन 7 से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरा आईफोन 7 से भी वीडियो बना रहा हूँ, नाइदर आई एम यूजिंग माई कैनन 200D क्योंकि वो डैड के पास है, यही बात करना चाहूँगा, एंड आई होप आप लोग का न्यू ईयर बहुत अच्छा रहे, दो दिन में 2018 खत्म हो जाएगा, दो दिन में नया साल आएगा, सो हैप्पी न्यू ईयर गाइज, आप लोग को क्रिसमस भी विश नहीं किया, सो मेरी क्रिसमस गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे गुड गाइज, एंड आई होप एवरी वन 2019 गोज रियली गुड, रियली 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 गुड, एंड येस आई विल बी बैक आफ्टर 2 months, आफ्टर द डे माई बोर्ड एग्जाम गेट्स ओवर, उसके बाद तो ब्लॉग्स ऐसे ऐसे आते रहेंगे, और आप लोग के लिए भी बहुत आगे सरप्राइजेस है जो मैंने प्लान आउट किया है, बस आप लोग को एक चीज़ बोल के रखता हूँ, आगे एक नया सॉन्ग वीडियो आएगा, सो हम लोग ने बहुत बड़ा टीम बनाया इसके लिए, एंड वी हैव प्लान द हेल आउट ऑफ इट, हम लोग ने इतना अच्छा कुछ सोचा है गाइस कि दिस वुड टर्न माई यूट्यूब चैनल अप, लाइक अभी तो ऐसा है कभी ऐसा भी हो जाए, कभी ऐसा ऐसा, विथ योर प्रेयर्स एंड योर लव एंड योर सपोर्ट गाइज मैं एकदम ऊपर भी हो सकता हूँ, मैं अभी इतना हूँ, लेकिन आप लोग के लव और सपोर्ट की वजह से आई कैन ग्रो अप वेरी बिग, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन डोंट एट ऑल फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर द वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड एज ऑलवेज आई बी गिविंग यू ऑल मोर अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड गाइज, वंस मोर अ हैप्पी न्यू ईयर गाइज, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू व्लॉग एंड अ नेक्स्ट व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय बाय, टेक केयर, दो केरला के वीडियोस अभी तक बाकी है जो मैंने अभी तक यूट्यूब पे पोस्ट नहीं किया है, वंस माय एग्जाम गेट्स ओवर इन द मंथ ऑफ मार्च, उसके बाद में मैं वो दो वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आई विल बी रिमाइंडिंग ऑल गाइज ऑन ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड जो भी आप जिधर मेरे को फॉलो करते हो आई भी मतलब आप लोग को मैं उस पर रिमाइंड कर दूंगा, सो टिल देन बाय बाय गाइज, टेक केयर, और क्या कर रहे हो आप लोग, मजा करो, लास्ट ईयर है, लास्ट 2 days ऑफ दिस ईयर गाइज, एंजॉय करो और स्टे सेफ, बस इतना ही बोलना चाहूँगा, और जो भी चीज़ होती है सब पॉजिटिव वे में लो, चलो अभी मैं जाता हूँ, वरना हमको भी अभी जाने के लिए लेट हो जाएगा, चलो बाय बाय।